दिनांक 22/6/2020 को राष्ट्रीय मजदूर परिषद द्वारा पूरे भारत के अंदर जो अभी एक आक्रोश है चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तानी सेना के ऊपर बर्बरता की है, इसलिए जो 60 वर्षों बाद वापस जो घटना घटी है, ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे, क्योंकि इस समय देश के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार बैठी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाए, और ऐसा सबक सिखाए कि दोबारा कोई हमला ना कर सके और सैनिकों की तरफ आंख ना उठा सके। अगर मोदी जी सैनिक कम पड़ रहे तो हम मजदूरों को आह्वान करें। हम मजदूर जिस तरह देश के अंदर डट के मुकाबला करते हैं, देश के लिए 24 घंटे हम सेवाएं देते हैं, उसी प्रकार 24 घंटे बॉर्डर पे चीन का और पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए मजदूर 24 आवर्स रेडी है। आप खाली आह्वान कीजिए, हमारी सेना 24 घंटे तैयार है, उसको खुला आदेश दीजिए कि जहाँ पे भी दिखे अंदर सीमा पार करते उनको मौत के घाट उतारे, और सभी मजदूर भाई चीनी सामानों का स्पष्ट रूप से बहिष्कार करते हैं, कोई भी चीनी सामान हम उपयोग में नहीं लेंगे। और इसके ऊपर हम ये आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन को जल्द से जल्द सबक सिखाने का रास्ता निकाल के और सेना को आदेश दें, और कूटनीति का भी काम लें, और देश को विजय की ओर बढ़ाए, और सेना का हौसला कम नहीं होने दें। राष्ट्रीय मजदूर परिषद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, और देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय मजदूर परिषद से पूरनमल तेली, भिलवाड़ा से। आपने चीनी सामानों के बहिष्कार की घोषणा की है, उसको आप कहाँ तक सार्थक समझते हैं? इसको जब तक सरकार ऊपर से बैन नहीं करती है, जब तक आम नागरिक उसको बंद नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते भी हैं कि भी उसको नहीं खरीदें, फिर भी आम नागरिक की वो औकात नहीं है कि वो उस चीज़ को बायकॉट कर सके। अगर सरकार चीन के खिलाफ है और चीन जो घटना कर रही है उसके खिलाफ है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस चीनी के सामान का बहिष्कार करे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आयात निर्यात बंद किया गया, उसी तरह चीन का भी आयात निर्यात बंद कर दे, क्योंकि देश को आज मोदी जी एक तरफ कहते हैं हम सेल्फ खड़े हैं, आत्मनिर्भर बनना है, और हम चीन के भरोसे जी रहे क्या? मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या चीन के भरोसे हिंदुस्तान बना है क्या? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है। जय जवान जय मजदूर किसान, मजदूर किसान और जवान, ये हमेशा देश के साथ खड़े और साथ ही रहेंगे हमेशा। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।